गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई करवाई जा रही है, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत अब गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों में पढ़ाई करवाई जा रही है और परीक्षा भी उसी के अनुरूप होगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत हर 6 महीने में परीक्षा होती है। उन्होंने कहा कि साल में 2 परीक्षा होगी तथा 2 बार परीक्षा शुल्क भी लगेगा, जिसके कारण कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो रही है और छात्र नाराज हैं, जिनको समझाया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा, बेसिकली नई शिक्षा प्रणाली में NEP में अब सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ाई होगी और परीक्षाएं होंगी। इसमें हर 6 महीने बाद परीक्षा होती है, 2 बार परीक्षाएं होंगी साल में, तो दोनों परीक्षाओं के लिए फीस अलग लगता है। इसी कारण छात्र उद्वेलित हैं कि 2 बार फीस क्यों ले जा रही है, ये मूल प्रकरण ये है। इसी कारण छात्र उद्वेलित हैं और उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, ये मूल प्रकरण है।